मेरे प्रिय छात्राओं, स्पेशल क्लासेज मुसेपुर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत में वाक्य कैसे बनावे। हम चलते हैं, कल के वीडियो में आपको बताए थे लट लकार वर्तमान काल के स्ट्रक्चर, उसके अनुवाद। अब हम उसी के अनुकूल चलते हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे बनावे। अगर आपका सह रहा तो उसका आप अनुवाद कहने का मतलब वाक्य, वाक्य कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सह का हिंदी होता है आपका वह, जो पुरुष जाति का है। जब वह होता है इसका सबसे फर्स्ट में हम हिंदी वाक्य बना लेंगे, जैसे वह खेलता है। जब खेलता है तो यहाँ आपका संस्कृत वाक्य है सह खेलते। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। उसी प्रकार हम सेकंड में आते हैं तो मीन्स होता है वे दोनों। इसका अगर हम हिंदी वाक्य करें तो होता है वे दोनों खेलते हैं, और संस्कृत आपका बन जाएगा तो खेलतः। जो आपको बताए हैं द्वि वचन, प्रथम पुरुष के द्वि वचन में तह का जो प्रयोग होता है उसी के अनुकूल यहाँ होगा तो खेलतः। अब हम चलते हैं बहुवचन, प्रथम पुरुष के बहुवचन यहाँ ते है। ते मीन्स वे सब, जब होता है तो वे सब खेलते हैं तो ते खेल अंति। यहाँ अंति का जो प्रयोग हुआ है क्यों, बहुवचन है इसीलिए। वाक्य जिस अनुकूल डाला रहेगा उसके अनुकूल हम इसका वाक्य बनाएंगे। जब यहाँ तुम का हिंदी होता है तुम खेलते हो। जब तुम खेलते हो तो यहाँ आ जाएगा तुम खेलसी। अब देखिए युवाम यानी तुम दोनों। जब तुम दोनों आया, तुम दोनों खेलते हो, युवाम खेलता। अब हम देख लेते हैं यूयम, ये बहुवचन के है। जब ये बहुवचन में आएगा तो यूयम खेलत, यानी आप जानते हैं बताए थे प्रथम पुरुष में ती तह अंति सी थह थ, यहाँ थ तक आए हैं, वो आपका बहुवचन में है। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष में अहम। अहम का मतलब होता है मैं खेलता हूँ, अहम खेलामि। उसके बाद आपका है आवाम, हम दोनों। जब हम दोनों आएगा तो हम दोनों खेलते हैं, वाक्य बनाएंगे खेलते हैं। तो जब खेलते हैं तो आवाम खेलाव, क्योंकि अंत में किसका प्रयोग होगा, आव का। अब हम चलेंगे हम सब या हम लोग खेलते हैं। जब हम सब या हम लोग का प्रयोग करे तो वह बहुवचन, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आ जाता है। जब बहुवचन में आएगा तो ऑलरेडी खेलाम हो जाएगा, तो वयम खेलाम। ये जो आपका वाक्य बताए हैं इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। जैसे इसमें आप याद कीजिएगा ती तह अंति सी थह थ आमी आव आम, यहाँ आपका ये हो गया सह तौ ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम। अब हम देख लेते हैं आपका मनोबल ये है कि सह वह नहीं खेलता है, उसका भी अनुवाद हो जाएगा वह नहीं खेलता है। जब नहीं खेलता है नकारात्मक आया तो सेम वैसे होगा सह न या नहीं खेलती बन के आपका तैयार है वह सह के लिए। उसी प्रकार अनेक प्रकार के आपके मनोबल अगर कहता है तो मिस वे दोनों नहीं जाते हैं तो नो गच्छत तो आप देख लेते हैं यहाँ वे सब यानी ते, उसके साथ अंति का प्रयोग होता है। जब अंति का प्रयोग होगा तो वे सब घर जाते हैं, ते गृहम गच्छन्ति। चलिए इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कतें हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।